ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो है गीता के दूसरे अध्याय का 69वां 69 श्लोक है। श्लोक क्या कहता है कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यता मुने। साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को और तत्ववेत्ता पुरुष के लिए विशेष सुख को, दोनों को एक दूसरे के प्रति कॉन्ट्रडिक्टरी बताना, रात का उदाहरण देना, रात्रि का उदाहरण देना है। तो इस प्रकार से इसका जो शब्दार्थ है वो इस तरह का है कि या यानी जो, निशा यानी रात के समान, सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों के लिए, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात के समान है, उस सत्तस्याम यानी उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में संयमी यानी स्थित प्रज्ञ योगी जागृति यानी जागता है, यस्याम यानी जिस सांसारिक सुख की प्राप्ति में जागृति यानी जागते हैं भूतानि यानी सब प्राणी, वह सा यानी वह निशा यानी रात्रि के समान है। पश्यता यानी परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए, यानी जिसको तुम दिन समझते हो वह मुनियों के लिए रात है, और जिसको तुम रात समझते हो वो मुनियों के लिए दिन है। तो ऐसा नहीं है कि रात में उल्लू की तरह तुम जगने लग जाओ, है ना? ऐसा नहीं कि रात में तुम उल्लू की तरह जागने लग जाओ, है ना? इसलिए सतगुरु सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जगदीश्वर अनंत कोटि आकाश गंगाओं के असीमित विस्तार के एकमात्र सम्राट, अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? ताकि सारे जगत के आने वाले जो जिज्ञासु हैं उनका कल्याण हो सके। कहते हैं कि जिसे संसार सत्य समझता है और संसार जिसे मूल्यवान समझता है, जिसके लिए संसारी लोग रात दिन मरते खपते रहते हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत जो कार्य करने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, वास्तव में वह रात के सपने के समान मिथ्या है। आप खुद देखें, आपका बचपन कहां गया जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप खिलौने से खेलते थे, वो कहां गया आपका बचपन? लाओ उस बच्चे को हमारे सामने दोबारा लौटा के लाओ। कोई लौटा सकता है? आपकी जवानी, बुढ़े आदमी की जवानी कहां गई जब उसके हाथ पैरों में बहुत ताकत थी, उसकी चाल बहुत तेज थी? अब तो घुटने मुड़ते नहीं, अब तो पैरों में दर्द रहता है। वो बाल जो काले घुंघराले फर्स्ट क्लास थे वो सफेद हो गए, कुछ लोगों के बाल झड़ गए। तो ये कहां गए? ये स्थूल शरीर है, ये ऐसा हो गया जैसे सपना। कोई गाता है, कोई गीते गाता था, आईना मुझसे मेरी पहले सी सूरत मांगे। तुम्हारी पहले जैसी सूरत हो नहीं सकती, क्योंकि तुम परिवर्तनशील हो। तुम्हारा जो स्थूल शरीर है वो परिवर्तनशील है, उसमें लगातार परिवर्तन होते हैं। परंतु
इतना ही नहीं कि यह परिवर्तनशील है, बल्कि इतना भी है कि मरण धर्म भी है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका शरीर नहीं रहेगा, और एक दिन ऐसा था जब आपका शरीर नहीं था, लेकिन आप तब भी थे, और जब आपका शरीर नहीं रहेगा जब भी आप होंगे, है ना। लेकिन इस बात को आप नहीं जान सकेंगे, आप होंगे, आप थे, आप रहते हैं, आप रहेंगे, लेकिन इस बात को आप इसलिए नहीं जान सकते हैं क्योंकि आप मूर्छित हैं। आपको यह संसारी सही, यह संसार सत्य लगता है, जिसम से होकर और जिसमें होकर तुम लोग जी रहे हो, ये जो सूक्ष्म शरीर है तुम्हारे इस शरीर के अंदर, जो स्वप्न अवस्था में तरह तरह के स्वप्न दिखाता है, ये स्वप्न जगत का रचयिता है, ये विश्वकर्मा है स्वप्न का, क्या क्या नहीं दिखाता आपको, ये क्या क्या नहीं दिखाता आपको। सपने में हाथी घोड़ा रथ पालकी, सपने में एरोप्लेन, सपने में स्त्री, सपने में भोजन, सपने में पद, सपने में सम्मान, सपने में धन, सपने में महल, सपने में क्या क्या नहीं दिखाता, जो जो तुम्हें चाहिए वो सब दिखाता है, यहाँ तक कि तुम्हारे भयों को भी दिखाता है। किसी को सपने में सर्प काट लेता है तो किसी को सपने में ऊपर से गिर जाता है, कोई पक्षी की तरह उड़ने लग जाता है, सपनों में जो तरह तरह का संसार दिखाई देता है, जब तुम जाग जाते हो तो वो कहाँ गायब हो जाता है, वो कहाँ गायब हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां, जो रात है सब लोगों की, वो सो रहे हैं लोग, उसमें संयमी यानी ज्ञानी उसमें जाग जाता है। तो यदि तुमको थोड़ा सा क्लोरोफार्म सूंघा दिया जाए तो तुम कहां चले जाते हो, तुम्हारी चेतना कहां चली जाती है, ये तुम्हारा तीसरा जो शरीर है, कारण शरीर है, ये तुम्हारा स्थूल हो गया, सूक्ष्म हो गया, ये कारण, ये जो तुम्हारे तीन शरीर हैं, और तीन शरीर के साथ साथ में क्या है तुम्हारा, इन तीनों शरीर के साथ में तुम्हारी जागृत स्थूल शरीर की अवस्था है, स्वप्न तुम्हारी सूक्ष्म शरीर की अवस्था है, और सुषुप्ति तुम्हारे कारण शरीर की अवस्था है। तो तीन शरीर, तीन अवस्था और तीन गुण, ये नौ चीजें भी, ये नौ चीजें भी मिथ्या हैं, झूठी हैं। ज्ञानी इन नौ चीजों से भी परे चला जाता है, ज्ञानी ये जान जाता है, ज्ञानी ये जान जाता है। देखो जब आप को क्लोरोफार्म सुंघाते हैं, आपकी चेतना विलीन हो जाती है, आप अंधकार में चले जाते हैं, यह तो निशा है ना, यह तो रात है ना आपके लिए, चाहे दिन है तो रात हो जाती है आपके लिए। सारे जगत के जो समस्त प्राणी है, प्राणी कौन कहते हैं, जीव और उसके तीन शरीर, इन दोनों को मिलाकर प्राणी कहते हैं। वो जी रहे हैं किसमें, इस मूर्छा में, इस रात में, उनको मालूम ही नहीं है कि वे सो रहे हैं, वो अपने आप को जागा समझते हैं। तुम साइकिल चलाते हो, तुम जो है साइकिल चलाते हो, तुम कुछ भी करते हो, लेकिन तुम सो रहे हो, तुम जागे नहीं हो, तुम जागे नहीं हो, तुम सो रहे हो। भगवान रामायण में कहते हैं, मोहनिशा सब सो बनिहारा, और देखा ये स्वप्न अनेक प्रकार। इस संसार में सारे लोग जो है मोह की नींद में सो रहे हैं और अनेक तरह के स्वप्न देख रहे हैं। कहते हैं, यह जग जंगम जागहिं जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। इस संसार के अंदर केवल योगी जागते हैं। कैसे योगी, जो परमात्मा से जुड़ गए, योग में एडिशन विद द गॉड जुड़ गए, और कैसे हैं वो, परमार्थ प्रपंच वियोगी, वो परमार्थी हैं। ये संसार जो है ये परमार्थी नहीं है, ये संसार तो स्वार्थी है। परमात्मा को पाने के बाद परमात्मा ही परम अर्थ है, इस संसार में को जानना कोई अर्थ नहीं है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, उनके जीवन में कोई प्रपंच नहीं रहता, सब समाप्त हो जाता है। तो रामायण इस बात का, इस श्लोक का प्रमाण रामायण देती है। और आगे जैसे कबीर साहब कहते हैं कि जैसे सपना नींद का ऐसा है संसार, ये संसार
सब में माया, माया ही माया है, नींद ही नींद है। ये संसार नींद का सपना, भोर भय मिट जाना है, रहना नहीं देश वीराना। ये देखिए प्रमाण दे रहे हैं, ये रामायण गीता और वाल्मीकि रामायण और योग वशिष्ठ और उपनिषद इसी बात का प्रमाण दे रहे हैं। और क्या कहा कहते हैं कि उमा कहूं मैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। देखो जगत को सपना कह दिया, सपने में डाल दिया है, और सपना कभी सच्चा नहीं होता, और सपना कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, और सपना जब सच्चा ही नहीं होता, सपना अच्छा या बुरा ही नहीं होता, सपना एक इल्यूजन होता है, सपना एक आफ्टर इफेक्ट होता है आपकी सोच का, सपना एक आपकी वासनाएं जो पूर्ति नहीं हुई उनका, जो पूर्ति हो रही उनका, ऐसा कुल मिला के एक इफेक्ट होता है। इसलिए सपनों से भयभीत कभी नहीं होना, सपनों से सुखी दुखी कभी नहीं होना। जब तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए वही तुम्हारे लिए सर्वोच्च है। तो ये जो सपने, ये संसार जो है वो उन लोगों के लिए रात के समान है, निशा के समान है, जो लोग इस परम तत्व में, इस परमात्मा के तत्व में जाग चुके हैं। जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति वाला जो संसार है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर वाला मन इंद्रियां बुद्धि चित्त अहंकार का जो संसार है, यह मिथ्या है। यह इस बात को वो तत्वतः जान चुके हैं, वास्तव में जान चुके हैं, ऐसा थ्योरेटिकल नहीं, ऐसा किताबों में पढ़ के नहीं, वो वास्तव में जान चुके हैं। ऐसे जो मुनि हैं, संयमी हैं, जो वो उनके लिए समस्त प्राणियों को जो दिन है वो मुनियों की दृष्टि में मिथ्या है और रात है ना, उनकी दृष्टि में वो मिथ्या है और कैसा है, रात के समान है। किंतु जो अज्ञानी पुरुषों के लिए ये मिथ्या जगत है, ये झूठा संसार है, वही सब कुछ है। उसमें है अर्जुन, मेरे में उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। मुझे एक प्रश्न याद आता है, युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था। एक बार पांडव जब वनवास में थे तो उनको प्यास लगी और एक सरोवर के किनारे एक एक करके जल लेने गए, तो उसने कहा ठहरो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो इसमें जल भर सकते हो। तो चार पांडव ने अवज्ञा कर दी और मूर्छित होकर गिर गए, मृत हो गए। लेकिन युधिष्ठिर जब गए तो उन्होंने पूछा, हाँ बताओ ये प्रश्न। तो उन्होंने पूछा यक्ष ने कि संसार का सर्वोच्च आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि संसार का सर्वोच्च आश्चर्य यह है कि रोज लोग मरते हैं और जीवित प्राणी जो मनुष्य होते हैं वो उनको मरते हुए देखते हैं, उनको जलाने जाते हैं, उनकी मट्टी उठाते हैं, अर्थी उठाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो व्यक्ति ये नहीं सोचते कि कल मैं भी मर सकता हूं। उनके मन में ये आता ही नहीं, मृत्यु का भय ही नहीं आता, वो फिर माया में वैसे के वैसे फंस जाते हैं, अपने को इस माया से निकलने के बारे में विचार नहीं करते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो हर व्यक्ति जो इस संसार में जी रहा है, ये संसार माया है, रात है, नींद है, लेकिन वो उसको सच्चा समझ रहा है। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो इस नींद को, माया को, रात को समझ गए कि रात है, नींद है, माया है, और वो जाग गए। इसलिए कहा यानिशा सर्वभूतानाम तस्यार्थ जागृति संयमी, है ना। तो मेरे एक पड़ोस में एक रहा करते थे, अज्ञान काल की बात है, एक पंडित जी रहा करते थे।
वो इस श्लोक का अर्थ बहुत अच्छी तरह समझ गए थे। मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी तरह समझ गए थे। कैसे अच्छी तरह समझ गए थे? कि वो पंडित जी क्या करते थे कि सारा दिन वो सोया करते थे, दिन भर सोया करते थे वो, और जैसे ही रात के 9:30 बजते थे तब पंडित जी का दिन शुरू होता था। 9 बजे उठते थे, मंजन करते थे, शौचादि जाते थे, फिर स्नान करते थे, फिर 10 बजे 10:15 बजे तक से वो भगवान की पूजा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पूजा करते थे। ओम जय जगदीश हरे, फलाना ठिकाना, वो सब तुम्हें माता पिता ये वो दुनिया भर का जो जोर जोर से चिल्लाते थे। और उनकी एक विशेषता थी कि हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में बाबा रामदेव की पूजा करते हैं, घोड़ा एक उनका रहता है, उन्होंने अपने घर में बाबा रामदेव का एक घोड़ा जो है इसका कपड़े का बना रखा था। और बाबा रामदेव के भगत थे, खम्मा 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 महाराज द्वार कर नाथ जी ही हो, जो जोर से चिल्लाते थे ही हो। मैंने कहा महाराज जी, एक दिन मैंने कहा महाराज जी ये क्या करते हो आप, पूरी रात भर जगते हो, ना पड़ोसियों को सोने देते हो, ना खुद सोते हो, और हम भी तुम्हारे से थोड़ी दूर 50 मीटर दूर रहते हैं, वहां तक जोर जोर की आवाज आती है, एकदम चिल्लाती हुई हो। हम सोचे कि क्या हो गया इनको, कोई अटैक आ गया कि क्या ही हो, कोई भूत प्रेत। तो बोलते थे कि नहीं भाई वो ऐसा नहीं है, वो गीता में भगवान ने लिखा है कि यह निशा सर्वभूतानाम तस्सर जागृति संयमी। तो और जो उन्होंने लिखा है कि भगवान ने इस श्लोक में लिखा है कि यस्य जागृति भूतानि स निशा पश्यते मुने। तो बोले मैं दिन में सोता हूं और जैसे ही निशा होती है, रात होती है, तो मैं जग जाता हूं और रात में भगवान की प्रार्थना पूजा करा करता हूं और दिन में सो जाता हूं मैं। तो ये मेरे गीता के श्लोक का मुझे अर्थ बिल्कुल पक्के से समझ में आ गया है। मैंने कहा महापुरुष जी, तो फिर तो उल्लुओं की श्रेणी में तुम हो गए, कि उल्लू भी दिन में सो जाते हैं और रात में जगते रहते हैं। ऐसा नहीं है, गीता के जो अर्थ है ना इतने सरल सरल नहीं है कि कोई भी समझ जाएगा इनको। भगवान के मतलब ही नहीं समझे वो भगवान का। भगवान का कहना है संसार पूरा रात है और ज्ञान है वो दिन है, वो इस संसार से हटो और ज्ञान में खड़े हो जाओ। भगवान तो ये चाहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि रात में खड़े हो गए साहब, और बहुत बड़ी परेशानी, उनकी पत्नी परेशान, उनके बच्चे परेशान, ना पत्नी को सोने दे ना बच्चे को सोने दे। मेरे पास पत्नी बच्चे आए, वो मास्टर थे, पढ़ाने वढ़ाने जाते थे, चुपके से दोपहर में आए, गुरु जी कुछ इलाज करो इनका, ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। बोले क्या, 11 बजे से रात को सुबह 5:30 बजे तक सोने नहीं देते हैं, और खुद जो है वो दिन में सो जाते हैं और स्कूल में झपकी लेते हैं, कमरा बना रखा वहां सोते रहते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है मैं बुलाता हूँ। मैंने उनको बुलाया, उनको समझाया, लेकिन वो कोई समझ में इसलिए नहीं आई कि जब वो रात को चिल्ला चिल्ला के गाते बोलते थे तो लोग सोचते और तो बहुत बड़ा भगत है, तो उनके जो है हजारों चेला हो गए उनके। कोई मिठाई ला रहा, कोई कपड़ा ला रहा, कोई नमकीन ला रहा, कोई पैसा ला रहा, कोई नारियल ला रहा, कोई कुछ ला रहा, तो वो काय को छोड़ेंगे, उस मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी उनकी। तो फिर उन्होंने उज्जैन में जाके आश्रम खोल लिया और उस आश्रम को हम उल्लू आश्रम बोलते हैं, क्योंकि वो तो उल्लू तो थे ही, और साथ में एक आश्रम खोल लिया तो दूसरों को भी उल्लू बनाने लगे। तो उनके भगत लोग सब रात जगते हैं और दिन दिन सोते हैं। तो अगर परमात्मा ऐसा होता कि रात जगने से मिल जाता तो निश्चित 100% चिमगादड़ उल्लू जो हैं ये भगवान को निश्चित प्राप्त कर लेते हैं। चिमगादड़ जानते ना बैठ, उल्लू औल औल, ये दोनों प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि भैया कम से कम गीता के जो श्लोक हैं इनको ईमानदारी से समझ लो रे दादा भाई, ऐसा ना करो कि अंटसंट समझ रहे हो आप इसको। तो ये जो है गीता जो अतः जैसे संसार के सारे भूत प्राणी रात्रि मानते हैं, उनके जीवन में परमात्मा के परमार्थ स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है। किसी से पूछोगे परमात्मा है, वो कह नहीं भाई हमको पता नहीं परमात्मा परमात्मा है क्या नहीं है, और ये फोकट की बातों का हमारे पास कुछ टाइम में नहीं है, हमको ऑफिस जाना है, मैनेजिंग डायरेक्टर की मीटिंग है, हमको ये काम करना है, हमारे को काम करना है। तो एकदम उनको ये पक्ष जो है परमात्मा का ये उनको अंधेरा लगता है, वो कुछ भी नहीं जानते इस विषय में। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह निशा सर्वभूतानाम अर्थात सारे प्राणियों की दृष्टि में यह ज्ञान जो है वो रात्रि के समान अंधेरी है, ज्ञान के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। और ज्ञानियों की दृष्टि में
जिस संसार को अज्ञानी सत्य मानते हैं, वह अज्ञान का जो अंधेरा है वो ज्ञानियों के लिए वो राहत है। इसलिए अज्ञानी और ज्ञानी की कभी संगति तो बैठती ही नहीं भाई। इसलिए जो ज्ञानी होता है उसके पास बहुत कम शिष्य होते हैं और अज्ञानी गुरुओं के पास ढेरों शिष्य होते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ज्ञान की जो रात्रि है, ये जो संसार की जो नींद है, ये ज्ञानियों की दृष्टि से एक तरह से रात्रि है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, कहते तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुलझावन हारी, तू रहता उलझाए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। इसलिए ज्ञानी को अपना निस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अज्ञानी को माया सत्य भासती है और ज्ञानी माया से जाग चुके होते हैं, माया का असत्य उनके सामने पोल खुल जाती है। तो कबीर साहब फिर कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, उनने ये नहीं कहा कि हम मानी, उनने कहा हम जानी, हम जानते हैं कि ये माया महा ठगनी है। अतः जो माया की काल रात्रि है, इसमें जो मर रहे हैं, कट रहे हैं, सड़ रहे हैं, जो संसार के जीव हैं, है ना, अज्ञानी लोग हैं, उनकी उनकी तुलना में जो ज्ञानी जो लोग हैं वो जाग चुके हैं, वो जाग चुके हैं। ये अर्थ है संयमी का, तस्याम जागति संयमी। भगवान जब आगे कहते हैं तस्याम जागति संयमी, यहां संयमी से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि भैया वो नमक नहीं खाता वो संयमी है, वो एक पैर पर खड़ा है वो संयमी है, वो फली फल खाता है वो संयमी है। अरे भैया तुम फल खाते हो तो बंदर तो फली खाते हैं, तो बंदर सब ज्ञानी हो जाए ना, है? तुम नमक नहीं खाते हो तो बेचारे गरीब बैल को तो नमक जिंदगी भर खाने नहीं मिलता, वो मुश्किल से कोई बैलों को नमक खिलाने जाता है। रोजड़े जो जंगल में एक बैल की गाय की जाति होती, नील गाय रोजड़े कहते हैं, उनको तो नमक मिलता ही नहीं है बेचारों को, तो वो तो सब ज्ञानी हो जाना चाहिए। अगर पानी में एक पैर से खड़े रहने से ज्ञान हो सकता है तो मछलियां सब ज्ञानी हो जाना चाहिए। बगुला एक पैर पर खड़ा रहता है और मछली का शिकार करता है मस्त होके। हम लोग एक भजन में गाते हैं कि जाका पड़ा रे सुबह नहीं जावे और जाने सत गुरु कैसे निभावे, कि धोरो बदन बगुलन कोरे दीनो, धोरो बदन बगुलन कोरे दीनो, वह तो गंगा नहावे जासे। गंगा में खड़े हैं वो एक पैर पर, कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, और जल की मछलिया पाऊ पड़ंती, ताकू पकड़ गगन उड़ जावे। बिचारी जल की मछली सोचती हैं कोई मुनि ऋषि आ गया है, चलो पैर पड़े आते हैं इसके, एक पैर पे खड़ा है खड़े श्री बाबा है, बिचारी पैर छूने जाती हैं, बगुला महाराज चोंच में पकड़ के उनको आकाश में उड़ जाते हैं। ऐसे महाराज जी मत करो ये काम, उल्टे सीधे, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो निज स्वरूप का जो साक्षात्कार है, उसमें जो जाग गया है वह संयमी है, है ना। और सदगुरु के मार्गदर्शन में जो साधना करके एक समता की स्थिति उसके अंदर, है ना, विकसित हो जाती है, एक बैलेंस बनता है, एक संतुलन बन जाता है अंदर का, वो ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए बहुत जरूरी है। और संसारी जिस चैतन्य परमात्मा अनादि सत्य अनंत सत्य अनश्वर सर्व का आत्मा एकत्व सब का आत्मा, इसको ना जानकर उसकी तरफ आंखें बंद करके सोते रहते हैं, वह ज्ञानियों का दिन है। यहाँ संसारी परमात्मा की तरफ आंख बंद करके सोते रहते हैं, वो ज्ञानियों का दिन है, वहाँ ज्ञानी जागते हैं। कबीर साहब कहते हैं साधु भाई ऐसा देश हमारा,
साधु भाई, ऐसा देश हमारा ना तहा चंदा, ना तहा सूरज, ना तहा अंधियारा, कुछ भी नहीं है वहां, है ना। ऐसा वह देश है, इस जगत का कुछ भी नहीं है वहां, कुछ नहीं मिलेगा इस जगत का, इस जगत से बिल्कुल अलग है, अद्वितीय है, विलक्षण है, किंतु अचंभित करने वाला सत्य है। अर्थात परमात्मा में जागो। गीता की ये जो सूत्र है ना, ये बाहर के सूत्र नहीं, अंदर के सूत्र है, ये भीतर की बात है, अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है, है ना। ऐसे ऐसा सत्य है ये कि अगर आपने एक बार जान लिया तो ये दिन और रात का फर्क है, जिसके लिए संसार के सभी प्राणी अपने प्राण भी दे देते हैं। ऐसे जो संसार के विषय हैं, वो ज्ञानी के लिए विष्ठा के समान है, ज्ञानी कभी उधर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। ज्ञानी के लिए सत्य सनातन परमात्मा ही सत्य है। एक गीत हमने लिखा था, उसमें ऐसा था कि सत्य ऐसा है जिसको कोई ना जाने, माया में अंधे हुए लोग ना माने। सत्य ऐसा है जिसको कोई ना जाने, और माया में अंधे हुए लोग ना जाने। गाऊंगा जीवन भर में गीत ये तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए ऋषि मुनियों के किए। ढूंढ लाया हूँ बगी सत्य में तेरे लिए। तो गीता को सुनो, गहराई से सुनो, गहराई से अंदर उतारो, गीता आपका आत्मा अनुभव हो जाए, गीता के गीत आपके प्राणों में समा जाए, गीता के गीत आपके रोए रोए में समा जाए। गीता बाहर का ज्ञान नहीं है, गीता संसार का ज्ञान नहीं है। और अगर गीता को बाहर का ज्ञान मान लिया और संसार का ज्ञान मान लिया, तो उस उल्लू पंडित की तरह तुम भी गधे हो जाओगे, जो रात रात भर जग के खुद भी नहीं सोता था, दूसरों को भी नहीं सोने देता था। ऐसे गीता को किसने जाना है, मुनिजनों ने क्यों जाना है कि पश्य अब आया है। अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द में आया पश्य। पश्य का मतलब देखना, पश्य का मतलब है दर्शन। तुमने देख लिया, जान लिया परमात्मा को, परमात्मा के दर्शन कर लिए। परमात्मा के दर्शन सच्चे सदगुरु के साक्षात्कार में होते हैं। केवल सदगुरु है जिसको तुम आंख से देख सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो, हाथ से छू सकते हो, वरना जो परमात्मा है वो तो इंद्रियों के परे है। तो परमात्मा को जिसने अपने अंदर जान लिया, परम तत्व को अपने अंदर जान लिया, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जो जाग गया है, अगर आप जागना चाहते हो तो आओ मेरे पास, मैं इस अमृत कुंड में आपको स्नान करने का निमंत्रण देता हूं, और भगवान कृष्ण की कृपा से मैं आप सब लोगों की सेवा करने के लिए इस शरीर को धारण किए हूं। मुझे बस यही काम है, मेरी यही सेवा है। दिस इज माय सर्विस। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभ हो।